रहीम, जनाब जतोई साहब, नैयर अली साहिबा, वकार अब्बासी साहब, एहतशाम, जावेद, बहुत सारे फेमिलियर फेसेस हैं. मेरे लिए ये गुड लक है कि मैंने अपनी हमारे सब यहाँ बैठे हैं. मेरी तारिक जावेद साहब, मेरी गुड लक ये है कि मैंने सियासत का आगाज़ जो किया तो पता नहीं क्यों मैं मीडिया में आ गई. हालांकि मैं बहुत एक शाये, बहुत एक जब मैं पॉलिटिक्स में आई थी बहुत छोटी एज थी, बहुत शाये थी, बहुत एक होता ना कि बिल्कुल कॉलेज से निकल कर वहाँ पहुँच गई थी. तो मुझे आई डोंट नो कैसे अल्लाह पाक ने मुझे मीडिया में भेज दिया और उसके बाद से मीडिया है और मैं हूँ मुख्तलिफ. आज अल्लाह पाक की मेहरबानी है, मेरी पार्टी की जो है ये मेरी क़यादत का मुझ पर एतमाद है कि मुझे ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने दी है. पर अदरवाइज़ मैंने इतने साल मीडिया के साथ ही गुजारे हैं. सो मुझे मीडिया अपनी फैमिली, ये डायलॉग नहीं है ना एक रस्मी जुमला है, वाकई मीडिया मेरी फैमिली है. और मुझे अपनी फैमिली को इतना टाइम मैं नहीं दे पाती जितना टाइम मेरा मीडिया के साथ और इन कैमरों के साथ, आप सब लोगों के साथ गुजरता है. मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज यहाँ नेशनल प्रेस क्लब में आने का मौका मिला. प्रेजिडेंट साहब ने भी, सेक्रेटरी साहिबा ने भी, बाकी लोगों ने भी जो चीज़ें मेरे नॉलेज में लाई हैं वो यकीनन, पहले तो खुशी की बात यह है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स वो मीडिया टाउन का हो या ग्रांट्स की हो, मुख्तलिफ मेरी जमात के अलावा जितनी भी जमातों की हुकूमत आई उन्होंने या तो फंड्स बंद किए या कम किए. मुझे खुशी है कि मेरी जमात जब जब आई है वो हमेशा मीडिया फ्रेंडली जमात है, मीडिया फ्रेंडली हुकूमत होती है. और हम कोशिश करते हैं कि जो मीडिया के लोग हैं उनको उनकी जो पेशा वराना जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसके अंदर जितना उनको फैसिलिटेट किया जा सके ये करना चाहिए. ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है, ये कोई एहसान नहीं होता. जो पहले तो जो जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स फंड के हवाले से मुझे एक जो बुरी खबर मिली कि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं जो आपकी तरफ से फॉरवर्ड की जाती हैं वो चार चार छः छः महीने जो है वो प्रोसेस नहीं होती. इसके ऊपर मैंने बिल्कुल इसको नोट कर लिया है और जाते ही इसको टेकअप करूँगी. ये नहीं हो सकता. मैं एक डेडलाइन जो है वो महकमे के साथ, अभी मैं खुद नहीं करना चाहती, फिर वो कहेंगे मैडम आपने हमें नहीं पूछा था. क्योंकि मैं जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की पेस है उसको मैच करना मेरे लिए और जो मेरे महकमे की पेस है उसको मुझे मैच करना जो है वो ज़रा थोड़ा चैलेंजिंग काम है, बट करना पड़ेगा. और इसके ऊपर हम बाकायदा एक डेडलाइन बनाएंगे कि कितने दिनों के अंदर ये एप्लीकेशन को प्रोसेस हो जाना चाहिए. बिकॉज अगर किसी की कोई ज़रूरत है और ज़रूरत जो है वो आके चली भी जाए और अभी तक एप्लीकेशन ही प्रोसेस ना हो तो इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता. दूसरी बात यह है कि इसकी जो आपका मीडिया टाउन है फेज़ टू, जैसे हम पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर हमने जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी बनाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने कुछ दिन पहले उसका विज़िट भी किया. कुछ इसके अंदर प्रोसीजर प्रॉब्लम्स थे जो शायद किसी की नज़र से कभी नहीं गुजरे, लेकिन उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम शुरू हो गया है. और हम एक नया फेज़ जो है वो जर्नलिस्ट जो हैं उनकी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से लेके आ रहे हैं. चूँकि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसका खुद अनाउंस करना है तो मैं उस हवाले से ज़्यादा अनाउंसमेंट तो नहीं कर पाऊँगी, बहरहाल उसका फेज़ टू जो है वो भी हम कर रहे हैं. और यहाँ का जो मीडिया टाउन है यकीनन मैं समझ सकती हूँ कि जितनी तादाद अब सहाफ़ियों की, ख़ास तौर पर यंग जर्नलिस्ट जो हैं, ख़वातीन और हज़रात दोनों, जिस तेज़ी से उनकी इनरोलमेंट हो रही है फेज़ टू जो है वो एक मस्ट है, उसको होना चाहिए. दूसरा, तारिक साहब ने मुझे बताया जो मेट्रो स्टेशन है उसकी जो एक्सेस है मीडिया टाउन तक, ये बड़ी जस्टिफाइड चीज़ है. और हमारे साफ़ी हज़रात जो है जो मीडिया टाउन में रहते हैं उनको मेट्रो जैसी सहूलत जो है वो ज़रूर मिलनी चाहिए. तो वो मैंने नोट कर लिया है, इंशाल्लाह इसको टेकअप करते हैं. दूसरी बात यह है कि एंडोमेंट फंड के हवाले से भी मैंने जो है वो महकमे का चार्ज लिया तो बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने और सुनने को मिली. जो पहले एक सबसे अफसोसनाक बात होती है ना कि काम शुरू, बात शुरू होती है कि जी हो नहीं सकता, जो आप बात कहें ना वो कहते नहीं हो नहीं सकता, ये होना ही नहीं जी, हो ही नहीं सकता. तो चीफ मिनिस्टर साहिबा की डिक्शनरी में नहीं हो सकता नहीं है, और हमने भी उन्हीं से सीखा है कि नहीं कुछ भी नहीं होता, हर काम हो सकता है, हर काम का एक तरीकाकार होता है और उस तरीका को फॉलो करना पड़ेगा. मीडिया बहुत तेज़ मीडियम है, एक एक टिकर के साथ जो है वो हुकूमत जो है वो उसकी भी दौड़ लगती है और बाकी महकमे जो हैं वो भी अंडर जो है वो सर्वेलेंस आते हैं. जैसे अभी प्रेजिडेंट साहब ने कहा कि कोई कैबिनेट की अप्रूवल के साथ आपकी ग्रांट रोकी गई क्योंकि आपने खबर कुछ ऐसे लगाई थी. मैं कभी आपसे कोई ख़बर रोकने के लिए नहीं कहूँगी, ये मेरा अपने आप से भी वादा है, सिवाय इसके
कि जहाँ पे खबर बिल्कुल गलत है या जहाँ पर खबर जो है वो किसी प्रोपेगेंडा सेल की जो है वो तहत अगर आई है, तो मेरा हक बनता है कि मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ये खबर ऐसे नहीं है, ये खबर गलत है। और हमारे जो है वो अनफॉर्चुनेटली होता है कि क्रिस्प और आपको पता है कि अच्छी खबरें जो है उनकी जगह ज़रा कम बनती है। अब मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो कोई 12 से 16 घंटे समटाइम्स 18 घंटे भी वो काम कर रही होती हैं, और एक एक दिन में उनकी 6-6, 7-7, 8-8 मीटिंग्स, बल्कि उससे समटाइम्स ज़्यादा भी होती हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनकी कौन सी खबर को जो है वो कौन सी खबर आगे भेजूँ, कौन सी खबर जो है वो उसको थोड़ी देर के लिए रोक लूँ। लेकिन बात यह है कि बहुत सारे ऐसे सूबे हैं कि हमारे इस वक्त मुल्क के अंदर मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स हैं, जो हर एक सूबे के अंदर मुख्तलिफ मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की गवर्नमेंट है, और ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं ये इनके यकीन अच्छा भी होता है वैसे एक तरह से, कि आपके अंदर एक कॉम्पिटिशन डिवेलप होता है, आप एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, बेहतरी का मुकाबला, आवाम को रिलीफ देने का मुकाबला, जितनी गवर्नेंस को जो है वो बेहतर करने का मुकाबला। लेकिन मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ, और मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि पूरे पाकिस्तान में अगर आपको कोई सूबाई हुकूमत काम करती हुई नज़र आ रही है, तो वो पंजाब की मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत है। वो अभी उनको आए हुए 2 महीने हुए हैं, और उस 2 महीने के अंदर 64 लाख खानदानों में निगहबान रमज़ान पैकेज को पहुँचाना हो, या वो एयर एम्बुलेंस जो 2004 से चली हुई है लेकिन पाकिस्तान पंजाब में कभी पहुंची नहीं थी, वो इंशाल्लाह ताला जून में पंजाब के अंदर आ रही है, और वो एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो काम करेगी। जो गरीब मरीज़ हैं जिनको फौरी तौर पर किसी बड़े हस्पताल में, उसके मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, वो मैं आपको डिटेल में जाए बगैर भी अगर इतना कह सकूँगा, जो कार्डियक के पेशेंट्स हैं, किसी के स्पाइन का कोई बहुत ज़्यादा इशू है, कोई बर्न का किसी का वो है, तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज़ बनाई गई हैं, एक मैकेनिज्म को डेवलप किया गया है जिन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद अभी बहुत सारी चीज़ें जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की जिनका वो अनाउंसमेंट फरमा चुकी हैं, और तमाम इकदाम, ये मैं चैलेंज करके कह रही हूँ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत का कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो फाइल में नहीं है, वो आपको ग्राउंड के ऊपर अभी से आपको उसके ऊपर काम होता हुआ नज़र आएगा। जैसे कैंसर केयर हॉस्पिटल है, वो कैंसर केयर हॉस्पिटल जो है इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल वो बनने जा रहा है, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो उसकी तैयारी हो रही है। उसके साथ साथ सरगोधा में एक कार्डियक हॉस्पिटल को बड़ा बेचा गया और कहा गया जी कार्डियक हॉस्पिटल हमने बना दिया है, वो भूत बंगला जो है वो हमने दिखाया आपको जब चीफ मिनिस्टर साहिबा वहाँ तशरीफ लेके गई, और अब इस वक्त जो है वो कार्डियक जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला ये भी चीफ मिनिस्टर साहिबा का हुक्म है कि 1 साल के अंदर इसको कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद नवाज शरीफ ITCT है, दस्तक प्रोग्राम है जो बहुत जल्द इंशाल्लाह उसको चीफ मिनिस्टर साहिबा लॉन्च करेंगी, जिसके अंदर 10 बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं, जो ये वर्किंग वुमेन है या जो आप लोग भी जो मर्द हज़रात हमारे काम करते हैं उनको बहुत बेहतर से मालूम है कि अगर आपने कोई बर्थ सर्टिफिकेट लेना है, अगर खुदा ना खासा कोई डेथ सर्टिफिकेट है, कोई शादी की रजिस्ट्रेशन है, कोई डिवोर्स का सर्टिफिकेट है, ये टोकन टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इसको लेने के लिए आपको छुट्टी करनी पड़ती है दफ्तर से, और आपको जाकर जो है वो लाइनों में लगकर ये इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये प्रोग्राम दस्तक जो है ये इससे आप एक हेल्पलाइन है उसके ऊपर आप ऑर्डर करेंगे, और उस ऑर्डर के ऊपर पंजाब की हुकूमत जो है वो घर के ऊपर ये तमाम 10 फैसिलिटीज़ जो है ये डिलीवर करेंगी। उसके साथ साथ फ्री वाईफाई जो पहले भी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में शुरू किया गया था, उसको जो बहुत नया पाकिस्तान बनाने वाली हुकूमत थी जिन्होंने तब्दीली लेके आनी थी, तब्दीली उनकी गाली गलौज की चल रही है, वो तो वैसे ही एज इट इज़ लैपटॉप भी वो अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब का दिया हुआ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वाईफाई उन्होंने बंद कर दिया, और उस वाईफाई को दोबारा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो बहाल करने का हुक्म दे दिया है, लाहौर के अंदर तो उसका इस्तेमाल भी कर दिया गया है। इस तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं गिनवाने लगूंगी तो शायद जो है वो टाइम ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अब इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो एक तरफ तो ज़ाहिर है उनकी परफॉर्मेंस है, और जब उनकी परफॉर्मेंस का मुकाबला नहीं हो पा रहा तो फिर बदतमीज़ी का मुकाबला जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। KP के बहुत दिल के करीब हैं हमारे खैबर पख्तूनख्वा और पख्तून भाई हमारे जो हैं बहुत गैरतमंद कौम है, बहुत उनकी उनकी रिवायात बहुत स्ट्रॉन्ग है ख़वातीन के हवाले से, बाकी जो है वो मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला है उनको जिसका हुलिया भी गुंडों जैसा है,
जिसकी जबान भी बदमाशों जैसी है और जिसको शायद इसका दिमाग जो है वो भी बात करते हुए उसको उसकी उसका कोई स्टॉपर नहीं है, उसको समझ में नहीं आता वो क्या बोलता है। मुझे पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर जो है केपीके का, उनके फैमिली की जो खवातीन हैं उनके साथ मुझे दिली हमदर्दी है। मैं उनकी वालदा साहिबा के लिए, मैं उनकी बेगम साहिबा के लिए, उनकी उनकी बहनें और बेटियां अगर हैं तो मैं उनके लिए भी मैं बहुत नेक जज्बात रखती हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनको सब्र दे। जिस तरह की जबान वो खवातीन के बारे में इस्तेमाल करते हैं और स्पेसिफिकली मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ वो इस्तेमाल करें, बिकॉज वो कर नहीं सकते, उनके पास मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं है। मैं चैलेंज कर रही हूँ कि मुझे केपीके की हुकूमत कोई एक मंसूबा बताए जो उन्होंने केपीके के अवाम के लिए जो है वो आज तक किया है। 10 साल से केपीके में हुकूमत है और जो कहते थे ना सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, वो आज भी दरियाओं को पार करना हो या आज भी मुश्किल जो है वो जगहों पर जाना हो वहाँ पर सड़कें नहीं हैं, कौमें भी नहीं बनी और सड़कें भी नहीं बनी। अब ये कौन सी कौमें हैं जो बगैर सड़कों के बनती हैं, जिन कौमों को बगैर सड़कों के स्कूलों में जाना है, वो कौम कैसी कौम बनेगी जो बगैर सड़कों के जो है वो अस्पतालों में जाएगी, वो कैसी कौम बनेगी जहाँ आज भी बच्चियाँ, मैंने वो क्लिप्स आज भी हम देखते हैं, वो डोलियों के ऊपर वो छोटी छोटी इतनी खौफनाक डोलियाँ, और वो याद है डोली के ऊपर वो एक पिछली ईद पे गालिबन जो है वो एक रेस्क्यू भी ऑपरेशन करना पड़ा जहाँ पर वो डोली लटक रही थी और नीचे जो है बहुत बड़ी खाई थी। लेकिन यह है कि वो बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांकते नहीं हैं और वो कुछ भी कर देते हैं। कल भी उन्होंने एक बहुत ही घटिया गुफ्तगू की है मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या पहनेंगी, ये सबसे बड़ा इशू है इस वक्त मुल्क के अंदर। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो खड़ी कैसे हुई हैं, वो बैठी कैसे हुई हैं, इसके ऊपर बात होगी। हिम्मत है तो बात करो कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज तक सुबह पंजाब को क्या दिया, आप क्या दे रहे हैं। मैं आपको याद कराना चाहती हूँ, जब निगेबान रमज़ान पैकेज शुरू किया पंजाब हुकूमत ने तो पहले उस पर क्रिटिसाइज किया, बैरिस्टर सैफ साहब फौरन आए, उन्होंने कहा देखें ये कैसे लोगों को मतलब घरों पे जाके आप भिखारी बना रहे हैं, हालांकि किसी की लाइन नहीं लगी, किसी को हमें किसी को धक्के नहीं पड़े, हर एक को उसके घर के ऊपर वो हैम्पर पहुँचा। और फिर जब पता चला कि बहुत तेज़ी से बहुत कामयाबी से ये हो रहा है, उन्होंने कहा हाँ हम ऐसा करेंगे कि हम 10,000 रुपया जो है वो हम देंगे एज रमज़ान पैकेज। उसके बाद माफ़ी मांग ली, रमज़ान के आखिरी दिनों में हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम माजरत खा हैं। उसके बाद एयर एम्बुलेंस की बारी आई तो एयर एम्बुलेंस के ऊपर भी क्रिटिसाइज किया पहले, फिर उसके बाद खुद कह दिया कि हम भी जो है वो केपीके एयर एम्बुलेंस लाएगी। मुझे बहुत खुशी है, मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर केपीके की हुकूमत को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, उनको अगर अकल की बात और अगर अकल के प्रोजेक्ट्स कहीं से मिल रहे हैं उनको बिल्कुल अडॉप्ट करने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का भी हक है उनको एयर एम्बुलेंस मिले, उनका हक है कि उनको भी जो है वो रमज़ान पैकेज मिले, उनका हक है उनको दस्तक जैसे प्रोग्राम मिले, उनको फ्री वाईफाई मिले, उनको कैंसर हॉस्पिटल्स मिले, उनको कार्डिक हॉस्पिटल्स मिले। लेकिन आप जो है वो फिर आप मुकर जाते हैं, एक तरफ 1,000 अरब रुपये से ज़्यादा का मकरूज है हमारा केपीके का सूबा, वफाक से जो है वो जहाँ पे मदद की दरख्वास्त की जाती है वफाक अपनी मदद की दरख्वास्त को उनकी जो है वो बिल्कुल टेक केयर करता है। लेकिन ये जो ज़बान दराजी का एक कल्चर है हमारे मुखालफीन का, अनफॉर्चुनेटली उसमें तब्दीली नहीं आ रही। तब्दीली लानी तो थी, वो तो तब्दीली जो लाए सो लाए, वो पूरे मुल्क ने भुगत ली, आज भी भुगत रहे हैं हम, लेकिन वो तब्दीली जो ये एक गंदगी और घटियापन के कल्चर के साथ चल रही है ये तब्दीली नहीं चलेगी। और ये कोई ये बदतमीज़ी से मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका इनका तो हाल वो ये है कि रस्सी जल गई बल नहीं गया। आज भी वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब मैं छोड़ूँ, वो अंदर बैठ के जेल में भी एक मौसूफ कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं फलाने को भी नहीं छोड़ूंगा, वो जब वज़ीर आज़म थे तब भी कहते थे नहीं छोड़ूंगा। अब वो जो है वो केपीके के सूबे के चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी वो हम चढ़ाई कर देंगे इस्लामाबाद के ऊपर। तो ये अभी 9 मई जो है वो अभी आने वाला है, दोबारा एक बरसी होने वाली है, मैं तो बरसी कहती हूँ उसको, बरसी है हमारे लिए, बिकॉज इससे ज़्यादा खौफनाक तकलीफ देह दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना कभी होगा ना कभी हो सकता है। और उसके बाद भी इनका इनके प्लान ही नहीं ख़त्म होते पाकिस्तान में तबाही के। हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो जिनकी घड़ियाँ ये बेच के खा गए थे उनको लेके आए इस्लामाबाद में, आपने देखा एक बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट सऊदी हुकूमत की तरफ से जो है वो अंडर द पाइपलाइंस है, बहुत जल्द इंशाल्लाह वो आप सुनेंगे भी। सऊदी अरब इस वक्त तशरीफ़ लेके गए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब,
हम धक्के खा रहे हैं, हम जगह जगह जाकर पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कभी IMF को खाते लिखो, कभी IMF को जो है वो टेलीफोन करो, फिर IMF पे ये सो मच सो कि IMF के दफ्तर के नीचे जाके बैठ जाओ और वहां जाकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाओ। ये हरकतें ही करने की कोशिश करते हैं बार बार। 1971 इनको बहुत याद आता है, बहुत खुशी से 71 की मिसालें देते हैं, मुझे तकलीफ होती है। ये सियासी बात नहीं है, ये मुहिब्बुल वतनी की बात है, ये पाकिस्तान हम सबका है। पॉलिटिकल पार्टीज बाद में आती हैं, पहले हम पाकिस्तानी हैं, और आप पाकिस्तान का कुछ भला होने लगता है उसमें रखना डालना शुरू कर देते हैं, और फिर उससे अगर आपकी जो है वो हिम्मत नहीं, वो आपकी ख़त्म नहीं होती आपके अगर, तो उसके बाद आप फिर जो है वो आप धमकियों पर उतर आते हैं, हम चढ़ाई कर देंगे। आपको गलतफहमी है, जो जिन सहूलतों के अंडर आप चढ़ाइयाँ करते थे ना इस्लामाबाद में, वो सहूलतें अब आपको मुयसर नहीं है, और ये इस किस्म का कोई मारकाराई करने से गुरेज करने में दरख्वास्त नहीं कर सकती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को तरक्की की ज़रूरत है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को खुशहाली की ज़रूरत है। बराए मेहरबानी थोड़ा सा टाइम उधर भी निकाल दें, ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी सुन लें, उनकी 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 जो है वो उनकी भी दादरसी कर लें, ये बदतमीज़ी करने से, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर जो है वो जुमानी जुमले बोलने से, उनकी तोहीन का जो है वो इरादा करने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनकी तोहीन नहीं हो रही। एक तौलिया मीन गंडापुर साहब, आपकी तरबियत पर सवाल उठ रहा है, आपकी जो घर की खवातीन है उनके साथ इजहार हमदर्दी हो रहा है, और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा के मुकद्दर के ऊपर जो है वो रोना आ रहा है कि 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत है, वही जंगलाबाद जिसको कहते रहे उसको फिर आखिर इम्प्लीमेंट करना पड़ा, और आज अगर खैबर पख्तूनख्वा का अंदर कोई एक प्रोजेक्ट नज़र आता है तो वो वही मेट्रो है, जो अलहदा बात है कि चलती जो है वो कम है और जलती ज़्यादा है, लेकिन एक ही प्रोजेक्ट है जो आपको देखने को मिलता है। सो मेरी गुजारिश ये होगी के मुकाबला करें परफॉर्मेंस में, मुकाबला करें काबिलियत में, मुकाबला करें पब्लिक एक्सेप्टेंस में, और मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सिर्फ 2 महीने की हुकूमत ने अपना इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर पंजाब की अवाम में, कि आपने वो ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर उन रिजल्ट्स को भी देखा कि जहाँ पर जो अब मार दो पीट दो फसाद जला दो वो लोग जो हैं वो अब मजीद ये सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, लोग अपने माशी मसाइल का हल चाहते हैं, लोग अपने लिए अपनी वो खुशहाली चाहते हैं जो 2017 में वो देखते थे, आटे की वो कीमत चाहते हैं जो 2017 में थी, और ये जो 20 किलो का थैला है पंजाब में 800 रुपए की कमी हुई है उस 20 किलो के थैले में, ये मौजा नहीं हुआ है, ये इंतज़ामी बेहतरी है, ये तमाम वो इकदाम हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के जिसके ज़रिए 800 रुपये जो है, और अदारा शुमारियात ने कल जो रिपोर्ट जो है वो दी है जिसके अंदर मैंने भी गुजारिश की थी जो मीडिया के साथ, जिसके अंदर आलू की कीमत में भी कमी हुई है, प्याज की कीमत में भी कमी हुई है, सब्जियों की कीमत में भी कमी हुई है, और इंशाल्लाह ताला इस कमी को मजीद जारी रहना है जब तक आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी नहीं आती। चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो बिल्कुल एक सेकेंड भी जो है वो कोई इफ एंड बट सुनने के लिए तैयार नहीं है, और जो एंड पे जो आपके मसाइल हैं जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की मैं वो पहले भी मुझे उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि मीडिया के लिए जितनी भी सहूलियात क्रिएट की जा सकती हैं वो करनी चाहिए, बिकॉज ये हुकूमत का फ़र्ज़ है, और जो भी आपके ये मसाइल हैं जो तो मेरे महकमे के लेवल पे हैं वो मैं खुद ही इंशाल्लाह उसको देख लूँगी, और जहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहिबा की इंटरवेंशन की ज़रूरत है वो पहले ही मुझे गो अहेड दे चुकी हैं, लेकिन उनके नॉलेज में मैं ज़रूर लेके आऊँगी, और मैं ये बात बड़ी इस वक्त सहूलत से कह सकती हूँ के चीफ मिनिस्टर साहिबा को जो आपके जायज़ मसाइल हैं जब मैं उनके सामने पेश करूंगी तो उसके ऊपर फौरी तौर पर वो मुझे अमल दरामद का हुक्म पहले भी देती रही हैं, अब भी देंगी, और आखिर में मैं दोबारा बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका मुझे बुलाने के लिए, और आप सबके साथ बैठकर बात करने का हमेशा से जो है वो एक बहुत मज़ा आता है, बहुत अपनापन आप लोगों से महसूस होता है, और इंशाल्लाह हमारा यह सफ़र जो है वो जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट जावेद, मैं आपको मैं बारी बारी सब लोगों को मौका दूंगी, जिन जिन ने सवाल पूछने वो बस हाथ खड़ा करें, तो